हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग? आई होप गाइस तुम लोग सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, जिसको पता होगा उसके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो है। मतलब कि नेक्स्ट वीक में नया अपडेट आ रहा है पबजी मोबाइल का, उसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाला है, तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। और 31 तारीख से पहले आप लोगों को ये अपडेट मिल जाएगा। तो अपडेट में गाइस क्या आने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक पहला अपडेट तो ये है कि गन मोड आ रहा है, जो कि सबसे बढ़िया होने वाला है। दूसरा दूसरा अपडेट ये है कि एक इवेंट आने वाली है द एशियंट सीक्रेट, वो एक मस्त इवेंट आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम लोग गन मोड की बात करेंगे। गन मोड एक ऐसा मोड है कि भाई आप लोगों को मज़ा ही आने वाला है। मैंने एक मैच सिर्फ खेली है, उसका वीडियो भी मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ होने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस गन मोड में क्या है पहले बोल देता हूँ कि गन मोड में ये है कि आपके पास पहले से एक गन मिलेगी, एक गन होगी, टोटल 18 वेपन। मतलब एक को जैसे आप एक किल करोगे दूसरा वेपन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वापस किल करोगे वापस चेंज हो जाएगा, और कौन सा वेपन मिलने वाला है वो भी आपको लाइन में दिखाएगा कि इसके बाद ये वेपन आएगा, इसके बाद ये वेपन आएगा, इसके बाद ये वेपन आएगा, तो वो आप लोगों को दिखाएगा। तो मैं वो आपको पूरा गेम प्ले दिखाता हूँ कि आप ध्यान से देखना वो गेम प्ले, और देखना है बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके बाद जो नया एयर एंगल में जो चेंजेस आने वाले हैं वो मैं आप लोगों को उसके बारे में बात करूँगा। तो चलो गन मोड को जल्दी से चालू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो मैंने पहले टॉमी थी मेरे पास, फिर आई वेक्टर, और उसके बाद कौन सी वेपन आने वाली वो भी लिखा हुआ है। देखो P19, और P19 के बाद आने G3C, उसके बाद आने वाली 1KM। तो गाइज ऐसे ही आपको एक किल जैसे करोगे गन ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी, एंड नेक्स्ट वेपन जो होगा वो आपको मिल जाएगा। देखो अभी 1KM आ गई, अभी वापस आ गई एम, अभी आएगी M762। जैसे एक किल करूँगा M762 आएगा। ओके ओके, किसी और ने मेरे को मार दिया, और वापस M762 आ गई। अभी M762 से मेरे को मारना है, उसके बाद आप मिलेगी मेरे को M4। वैसे ही गाइज आपको पूरी गेम में दिखा देता हूँ कौन से वेपन मिलने वाले। टोटल टोटल आपको 18 वेपन मिलने वाले हैं, ठीक है, 18 वेपन। तो उससे आपको मारना है, लास्ट किल आपको पेन से करना है। ओके, तो देखो पूरा वीडियो एंजॉय करो, और मैं जल्दी से थोड़ा स्पीड में वीडियो को दिखाऊँगा जिससे थोड़ा वीडियो छोटा सा बन जाए। ओके, तो ध्यान से देखना वीडियो गाइज। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. The blue team is heading to a perfect win. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. My head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Target down! I'm pushing myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I have some kill dreams. When you hit your teens, life ain't really what it target seems. Down. I find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know kill is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally. तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आखिरी किल तक मैं पहुँच चुका हूँ, और हाथ में है पेन। तो आखिरी किल के जैसे मैं पेन से मारूंगा तो मैच फिनिश हो जाएगी। और लेकिन एक गाइज एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली कि बहुत ही मज़ा आने वाला है कि लास्ट बंदे को पेन से मारना है। लेकिन ये तो यहाँ पर अभी बहुत ही ओरिजिनल जैसा कोई नहीं लगा मेरे को, लेकिन भाई बहुत ही मज़ा आया इस गेम को खेलते हुए गाइज। और आप लोग भी गाइज इस मैच को बहुत ही एंजॉय कर पाओगे मेरे को यकीन है। और बहुत ही बढ़िया मैप डाला हुआ है, लाइब्रेरी वाला मैप, जो भी बोलो आप लोग, तो बहुत सही मैप है गाइज। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो यार मुझे माफ़ कर देना यार। एंड चलो गाइज इसके अंदर तो आप लोगों ने देख लिया कि गन मोड कैसा है, और आप लोगों को पता चल गया। कमेंट सेक्शन में गाइज बताना कि आपको गन मोड कैसा लगा, ठीक है। और अभी जो द एशियंट जो सीक्रेट मैप है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को बात कर बता देता हूँ। उसका भी मैं यहाँ पर वीडियो आगे देखते रहो कंटिन्यूसली, आपको उसके बारे में भी कुछ बताता हूँ। ओके गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इवेंट पे क्लिक किया, यानी कि इवेंट वाला मैप आएगा एयर एंगल में, और अदरवाइज आप इवेंट से क्लिक हटा देते हो तो एयर एंगल नॉर्मल वाला एयर एंगल मैप आएगा। और गाइज आप लोगों को पता होगा कि शायद जिसने रॉयल पास लिया होगा ना उसको पता होगा कि नेक्स्ट तीसरा वीक जो आने वाला है मिशन में, उसमें पहले से लिखा हुआ है सीक्रेट द एशियन सीक्रेट वाला। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये चीज़ आने वाली है इवेंट में। तो गाइज़ आप लोगों को पूरा ये वीडियो देखना, और थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो आप जैसे अपडेट
रिमाइंडर आए नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सको। तो जल्दी से मैं यहाँ पे मैच स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मुझे मैच मिल चुकी है, और इसके अंदर गाइज आप लोग जैसे ही लॉबी में जाओगे तो भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, और इसके यहाँ से कुछ निकलेगा तो वो पूरा देखो कितना मस्त लगेगा, पूरा नज़ारा एकदम मस्त लगेगा। और अपने दोस्तों से पहले अगर आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो तो यार बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो आप खुद इस वीडियो को देख कर अपने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो गाइज देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चीज़ निकलने वाली, मैं यहाँ पर ताली बजा रहा हूँ उनके लिए। और गाइज ये जो ऊपर तीन आपको साइड में दिख रहे होंगे पिरामिड जैसा, रुको मैं दिखाता हूं आपको वापस से। तो गाइज देखो भाई साहब क्या नजारा है, अरे जो दिखाना था वो तो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग मैप के अंदर देख सकते हो तीन बड़े बड़े दरवाजा टाइप का कुछ है, डोर टाइप का, तो वहीं पे वो चीज़ है और वहीं पे आपको लैंडिंग करना है, ठीक है। तो अभी मैं वहीं पे उतरने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर देखते कि क्या क्या चीज़ें मिलती है, और पूरा वीडियो गाइज देखना। अभी जल्दी से मैं वहाँ पर लैंडिंग करता हूँ। तो गाइज देख सकते हो कि मैं यहाँ पर लैंडिंग कर चुका हूँ, और कोई यहाँ पर है नहीं क्योंकि ये बीटा वर्जन है। तो गाइज़ इसके अंदर आपको पूरा मैं क्या क्या चीज़ें पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर गाइज़ आपको पहली बात लूट बहुत ही मस्त मिलने वाली, लेकिन ये गाइज़ बहुत ही ख़तरनाक प्लेस होने वाला, क्योंकि यहाँ पर बंदे बहुत सारे उतरने वाले हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा कैंपिंग टाइप का भी हो सकता है, मतलब मार पड़ने के चांस भी ज़्यादा है, लेकिन लूट बहुत मस्त मिलने वाली है। और अभी जैसे हम लोग अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे गाइस टोटल चार ऐसी क्रेट होगी जिसको हमें कुछ पजल सोल्व करके ओपन करना है। तो हम लोग पहली पजल सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे अंदर जाओगे ना तो आपको राइट साइड में कोने में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे मतलब चारों चार कोने पे एक ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी। तो ये पजल मेरे से सोल्व नहीं हुआ, इसके अंदर क्या करना है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन गाइस यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी एक कैट दिख रही है, एक बर्ड दिख रहा है नीचे की साइड देखो, तो वो चीज़ हमें कुछ सोल्व करनी है, लेकिन ये मेरे से नहीं हुआ, कैसे करते मेरे को नहीं पता आइडिया। और वो जैसे ही सोल्व होगा तो ये बाजू में जो आपको येलो वाला बॉक्स है वो खुलता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी बाकी के तीन जो पजल है वो मैंने सोल्व कर दिया था, तो उसको आगे आप लोग देखिए कैसे मैंने उसको सोल्व किया था, ओके। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चारों चार कोने के अंदर है, तो ये एक और पजल है गाइस। यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछेगा कि क्या लिखा है कि विच एरिया हैज द लिस्ट प्लेयर इन इट राइट नाउ, मतलब क्या है इसका मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे ही क्लिक किया और पहले पोचिंग की पे क्लिक किया था, लेकिन उससे मेरे सोल नहीं हुआ, फिर मैंने कुछ शायद यस नया पे क्लिक किया और सोल हो चुका था। तो देखिए पूरा देखो प्लीज पजल अनसोल्ड ऐसा लिखा हुआ है, अगर पजल अनसोल्ड हो जाएगी तो वो बक्सा नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही सोल्ड हो जाएगी तुरंत खुलेगा, देखो अनसोल्ड। अब मैंने डी पे फेरी पे क्लिक किया और हो गया, और ये अभी खुलेगा, लेकिन गाइज इसके अंदर से मेरे को क्या मिला वो मैं बताता हूँ। यूजी मिली एक बार, एम फोर जैसा कुछ मिला, लेकिन कोई क्रेट वाला मतलब ड्रॉप वेपन कोई भी नहीं मिला, तो पता नहीं बीटा वर्जन है इसलिए नहीं मिला, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो रेगुलर अपडेट आएगा उसके अंदर अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो गाइज़ ये मैंने ये बक्सा मैंने खोल लिया, और गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पूरा मैप देखो हवा में उड़ने लगा, यहाँ पे साइड में टाइम लिखा हुआ है गाइज़ 10 मिनट, तो 10 मिनट तक ये अब हवा में रहेगा, मतलब 10 मिनट तक आपको कोई नहीं मार सकेगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है कैंपिंग करने के लिए कि आपको कोई यहाँ पे नहीं मार सकता, 10 मिनट तक हवा में रहोगे। हाँ अगर आप लोग नीचे उतरना चाहते हो तो जंप यहाँ से कर सकते हो, और जैसे ही गाइज़ आप लोग जंप करोगे तो पैराशूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और गाइज़ यहाँ पर आपको मैप में दिख रहे होंगे दूर, अभी जहाँ पर आप खड़े हो ना वो पूरा हिलता रहेगा, पूरे मैप में जोन के अंदर आपको घुमाता रहेगा ये जो है ना वो चीज़, ठीक है। और जैसे ही आपका ये 9 मिनट अभी दिखा रहा है वो टाइम जैसे ख़त्म हो जाएगा आपको तुरंत ही ज़मीन पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है जहाँ पे आप खड़े हो गायब हो जाएगा। तो आप लोग गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरे को मिली यूजी। अब नेक्स्ट एक और पजल सोल्व करते हैं, उसके अंदर क्या मिलता है वो देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखो कैसे सोल्व क्या करना है वो मेरे को पता चल चुका था एटलीस्ट, क्योंकि ये जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे देखो आप लोग पहले कैट है, फिर कुछ वुल्फ है, और उसके बाद कुछ और है, क्या है स्नैक है, और उसके बाद एक बर्ड है, तो उसको हमें लाइन में ऊपर सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते मतलब लाइन में सेट करना है, मतलब लाइन में वो बटन दबाना है। तो यहाँ पर गाइज़ मैं देख लेना, सबसे पहले कैट वाला बटन दबाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने कैट वाला बटन दबाया, उसके बाद वुल्फ दबाऊँगा, और उसके बाद दबाऊंगा मैं स्नैक,
और उसके बाद मैं दबाऊंगा बर्ड, तो गाइज यहाँ पर क्रेट ओपन हो जाएगा। और गाइज इस क्रेट के अंदर से बहुत ही जबरदस्त आउटफिट मिलेगा, ठीक है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए जाएगा। देख लो अभी मैंने क्या कपड़े पहन लिए गाइज, देखो क्या खतरनाक कपड़े हैं, ठीक है। तो ये पहले भी आए थे कपड़े, लेकिन अभी ये लोग इसमें क्रेट में दे रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब तक मतलब 2-3 मिनट तक ही शायद है, ऐसा मेरे को लग रहा है, जब तक है तब तक एंजॉय करो। और एक और बक्सा खोलने जाऊँगा मैं, तो चलो उसको पजल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं फाइनली ये पजल सोल्व करने के लिए आया, लेकिन ये पजल भी मेरे से सोल्व नहीं हुई। इसमें कहीं पे हिंट वगैरह नहीं दिया गया था कैसे करना है, मेरे को नहीं पता था, लेकिन फाइनली मैंने बहुत मेहनत की लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन इसको कैसे करते हैं वो जैसे आपको नया अपडेट आएगा तो सबके पास कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे और पता चल जाएगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसके पीछे मैं थोड़ा वो करूँ। और गाइज अभी ये जो पूरा जो एरिया है वो हवा में उड़ गया, ठीक है, हवा में उड़ जाए तो 6 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, मैं ज़मीन पे गिर जाऊँगा, देखना आप, मतलब पैराशूट ओपन हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और गाइस जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा कि ये पूरी जगह है जो है वो हिल गई है, देखो सामने से एक वही सेम टू सेम पिरामिड वाला आया है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग उसको मार सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पे स्नाइपर लेकर बैठे हो तो यहाँ से अगर स्कोप ऑन करते हो तो उसको वो बंदा दिखता है, तो ये तो फिर आप लोग यहाँ से मार सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। और एक एकदम करीब से जाता है तो बहुत ही मस्त नज़ारा रहता है गाइस देखने में, देख मतलब। और रहा एक चीज़ गाइस, यहाँ पर जो हवा में जो चीज़ें लटक रही ना, वहाँ पे बिल्कुल जंप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग लटक नहीं सकते, ना ही खड़े रह सकते हो, तुरंत नीचे गिर जाओगे, ओके। वो सिर्फ ऐसे ही शोपीस डाला हुआ है। तो गाइस अभी 4 मिनट बाकी है, तो मैं कट करके आप लोगों को दिखा दूँ 4 मिनट के बाद क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि एकदम करीब से जा रहा है, तो इसको गाइज यहाँ पर अगर आप लोग स्नाइपर होगी तो मार सकते हो, लेकिन गाइज अभी 3 सेकंड बाकी, 3 सेकंड के बाद देखना क्या होगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। ओके यहाँ पर देख सकते हो गाइज गायब पूरा का पूरा हो चुका है, और पैराशूट भी ओपन हो चुका है। अभी आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आराम से मैच खेल सकते हो फिर। मतलब अभी एक चीज़ तो हो गई कि आप एकदम सेफ रह सकते हो ऊपर, जब तक हो तब तक आप लोग पूरा का पूरा सेफ रह सकते हो। और गाइस अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, मैप के अंदर अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते होंगे कि छोटे छोटे येलो येलो डॉट है, ठीक है, वो जो येलो डॉट है ना वो वहाँ पे क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी वो मेरे को पोचिंग की में डॉट दिख रहा है, तो मेरे को वहाँ पे तक जाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। तो चलो गाइज मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ पोचिंग की के अंदर। तो गाइज ये जैसे पोचिंग की में भी एक छोटा छोटा ये जो येलो डॉट दिखेगा ना, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी चीज़ होगी और आपको पजल सोल्व करनी रहेगी। यहाँ पर गाइज देख सकते हो कि वो बक्से के अंदर वेक्टर पड़ी हुई थी, तो पता नहीं गाइज ऐसी अगर वेपन मिलती है वेक्टर, या तो यूजी या तो फिर M4 वगैरह, मतलब नॉर्मल चीज़ निकलती है, तो फिर ये यहाँ पर जाना मतलब एक तरीके से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर मैं गया तो वो पजल ऑलरेडी सोल्व हो चुकी थी, तो कुछ देखने के लायक नहीं थी। लेकिन एवरी मतलब मैप के अंदर ऐसे करीबन 12 से 15 ऐसे डॉट है, तो आप लोग देख सकते हो नया नया कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। रुको रुको, पसंद नहीं गाइस, ये इनको मैं दोनों को मारूंगा, रुको इसको दोनों को मैं मारूंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी गोली मारी लेकिन बहुत मुश्किल से मरे। और गाइज आप लोगों को पता ना होगा, पता हो या ना हो, मैं मोबाइल में गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ, मैं मोबाइल में घर गया था, लेकिन फाइनली ये दोनों को मारा। ये मेरा एम देखो गाइज, यहाँ पर थोड़ा क्या दिक्कत हो गई थी, मेरा हाथ पसीना वाला हो गया था, जिसके कारण मैं एम को ड्रैग कर ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल ड्रैग मेरे से नहीं हो पा रहा था, और मैं मुश्किल से इनको मार पाया, लेकिन फिर भी मार दिया था फाइनली। और गाइज आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। गाइज 900 के तक जल्दी से पहुंचा दो भाई को, एंड अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उसको भी अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीक में क्या आने वाला है उसको भी पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज ऑल ऑफ यू, आज आपने मेरा वीडियो देखा, एंजॉय किया होगा, एंड मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज सबको टेक केयर, बाय बाय, see you the next video, goodbye. Only 45 seconds.